हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक एंड आज मैं आपके साथ थोड़ा सा हटके वाला हॉल कर रही हूं और वो है होम डेकोर हॉल। मैंने कुछ चीजें मंगाई है अमेज़न से, कुछ खरीदा है होम सेंटर से एंड कुछ एक दो चीजें खरीदी है डीमार्ट से। सबसे पहले मैं आपको अमेज़न डेकोर हॉल शेयर करती हूँ जिसमें आप देख रहे हैं मेरे जो पीछे ये वाइट बैकग्राउंड है, ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़न से। सो ये बैकग्राउंड की साइज़ है 8 feet by 12 feet और ये कॉटन एंड सिंथेटिक मिक्स्ड मटेरियल है। सो ये वाला जो बैकग्राउंड है ये क्लॉथ मटेरियल है एंड ये ऐसी वाली बैग में आया था। सो आप देख रहे हैं ऐसा ये वाइट क्लॉथ है। अब ये एक और बॉक्स है, ये लेंटन मैंने ऑर्डर किया, उसमें कुछ दो तीन ऑप्शंस भी थे पर मुझे ये टील ग्रीन या टर्कोइज अब जो कलर का है वो मुझे अच्छा लगा एंड क्वालिटी बहुत ही ऑसम है। एंड ये ना एक्चुअली नीचे से खुलता है, यहाँ पे आपको टी लाइट लगानी है एंड ये ऐसे बंद हो जाता है। क्वालिटी में मुझे कोई इश्यू नहीं है, इसके फिनिशिंग में मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैंने एक्चुअली इसे थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट किया था, बस मुझे यही एक मन से हो रहा है कि आप अगर देखोगे ना तो ये एक हाथ में आ जाएगा, इतना ही है। तो पिक्चर में ये लाइक काफ़ी लंबा दिखता है पर ये इतू सा है, तो मैं क्या करूँ, मुझे इसको रखना चाहिए या रिटर्न करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद आई है तो मैंने ऑलमोस्ट सबके पैकेजिंग ना भी डिस्कार्ड कर दी है, पर ये मैंने एक्चुअली संभाल के रखा है कि मैं थोड़ा डाइसी हूँ इसके बारे में। तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे ये लेंटन का क्या करना चाहिए, इसे रखना चाहिए या इसे रिटर्न करना चाहिए। उसके बाद मैंने ये टी कोस्टर्स ऑर्डर किए। देखिए मुझे ना हमारा जो इंडियन जो कल्चर का रिलेटेड जो भी होता है ना डेकोर, वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड हमें जो हमारे हस्तकलाकार हैं, मैंने आगे भी कुछ वीडियोस ऐसे किए थे जो एग्जिबिशन आते हैं उसके हॉल वीडियोस, मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो हस्तकलाकार हैं, उनके हाथों से द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती है तो उन्हें आप खरीदिए ताकि उन्हें हम सपोर्ट कर सकेंगे। सो उसमें से ऐसा ही ये एक एग्जाम्पल है, ये टी कोस्टर्स है, इसमें 6 कोस्टर्स है। इसका एक छोटा सा ये बॉक्स है वुडन और ये इसका डिजाइन है इसके अंदर, देखिए कितना सुंदर है ना ये। लाइक प्लास्टिक का ऊपर से कोटिंग है, कांच नहीं है तो डरने की बात नहीं है एंड ये सॉफ्ट वुड है। लेकिन इसकी फिनिशिंग आप देखिए, क्वालिटी देखिए, तो मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। ये टी कोस्टर्स का सेट इस तरीके के वुडन बॉक्स में आता है, 6 कोस्टर्स है और ये पूरा वुडन का है। फिनिशिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है और बहुत सुंदर दिखता है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये इस तरीके की बैग में आया है एंड ये एक रग है, मल्टी कलर रग है। ये बहुत बड़ा है, मैं आपको अलग से शॉट दिखाती हूँ पर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे भी दिखा रही हूँ कि ये बेसिकली ऐसा लगता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है, कोई भी थ्रेड बाहर नहीं आ गया है। अब मैं आपको दो बहुत ही सुंदर चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो मैंने होम सेंटर से हमने जाके खरीदी थी, जिसमें से सबसे पहला है ये छोटा सा फाउंटेन जो आप यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। ये इतनी साइज होगी इसकी। सो ये छोटा सा क्यूट सा बुद्धा वाटर फाउंटेन जो आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, होम सेंटर की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जिसका मटेरियल प्लास्टिक का है। एक छोटी सी इसमें लाइट है और इस तरीके से पानी इसमें गिरता है, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है और इसकी बॉडी प्लास्टिक की है एंड पीछे आप इस तरीके का वायर देख रहे हैं। सो ये बहुत ही क्यूट एंड कॉम्पैक्ट सा है जो आपके घर में आपके टेबल पे कहीं पे कॉर्नर पे रख सकते हो। ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया फाउंटेन एंड एक और फाउंटेन भी हमने लिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये लगा कि बहुत छोटू सा क्यूट सा है,
थोड़ा सा बड़ा चाहिए जो ड्राइंग रूम में दिखे, क्योंकि हम ही उस कॉर्नर से हमें ही नहीं दिखता है, ये बहुत ही छोटू सा है। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं ये मेरे वीडियोस के बैकग्राउंड के लिए रख लेती हूँ। एंड दूसरा हमने एक लिया है, थोड़ा सा बड़ा है, वो भी बुद्धा का ही है, जो मैं आपको इसे ऑन करके अब दिखा रही हूँ नेक्स्ट शॉट में। एंड ये वाला फाउंटेन जो मैंने आगे दिखाया उससे लाइक 3 times बड़ा है, और इसकी थोड़ी सी पानी गिरने की आवाज़ भी आती है। इसमें जो लाइटिंग है आप देख रहे हो, उसका कलर वो पानी पे गिर रहा है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये लग रहा है। एंड ये फाउंटेन भी आपको होम सेंटर की वेबसाइट पे मिल जाएगा, अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा। साइड में पीछे की साइड आप वायर देख रहे हैं, सो ये प्लास्टिक एंड स्टोन दोनों के मटीरियल से ये बना हुआ है। तो दो बहुत ही क्यूट फाउंटेन्स के बाद अब डी मार्ट से मैंने दो चीज़ें ली है। पहला मैंने ये लिया है टी लाइट कैंडल्स, ये 50 का सेट है, आप देख रहे हैं MRP ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है 190 रुपीज़। क्योंकि अब दिवाली बहुत ही नज़दीक है, नवरात्र भी आएंगे, तो मैं जैसे ऐसे ही कुछ चीज़ें खरीदने गई थी तो मैंने देख लिया, तो मैंने देखा कि ये कैंडल्स मिलना शुरू हो गए, तो ना ज़्यादा ही ले लेते हैं कि पूरी दिवाली निकल जाए। ये टी लाइट कैंडल्स के बाद ये मैंने खरीदा, एंड तीसरा एक आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो मैंने तीन कलर्स है, तो मैंने सारे ही खरीद लिए। मुझे ये कलर्स क्योंकि ये ग्लास के हैं, थोड़ा संभालना पड़ेगा। सो ये बहुत ही मुझे क्यूट लगे, एंड इसकी प्राइस इज 59 रुपीज़ ईच, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 59 रुपीज़ का ये एक है, देखिए इसे आप हैंग कर सकते हैं, इसके अंदर कैंडल रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कैंडल रखोगे तो फिर ये कहीं काला ना हो जाए, तो आप वो छोटा सा सेल वाला आता है जो कैंडल जैसा लगता है, थोड़ा सा लाइट, वो ही रखना। टेबल पे भी इस तरीके से सजा सकते हैं कुछ ड्राई फ्लावर्स रख के। देखिए अभी टेबल भी नहीं हटाया, मेरे को था कि मैं आपको दिखा दूँ एक बार, फिर मैं इसे रिमूव करूँगी। ये टोटल मैंने 3 कलर्स लिए हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको मेरी गैलरी में लेके चलती हूँ। यहाँ पे दो प्लांटर्स आप हैंगिंग देख रहे हैं, सो ये जो प्लांटर्स है गोल्डन जैसा कलर है इसका, ब्राउनिश, और इसकी चेन जो है वो मेटल की है, एंड जो पॉट है वो प्लास्टिक का है। हमारे पास कम्प्लीटली प्लास्टिक का था, तो क्या है कि समर में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है, तो ये टूट के नीचे गिर गया था, इसलिए मैंने ये मेटल चेन वाले दो प्लांटर्स ऑर्डर किए हैं। और आप देख रहे हैं पॉट है ये, काफ़ी थिक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और नीचे एक होल भी है जिससे एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है। इसमें काफ़ी सारे कलर वेरिएशंस भी आपको अमेजोन पे अवेलेबल होंगे। सो दैट्स इट, ये था मेरा छोटा सा हॉल फ्रॉम अमेजोन, होम सेंटर एंड डी मार्ट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये मिनी होम डेकोर हॉल। आपको कौन सी चीज़ पसंद आई और आपका क्या कहना है इसके बारे में, मुझे ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके सजेशंस भी। मेक श्योर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, ज़ारजिम में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।